जैसे सर बिहार बोर्ड के रिजल्ट खराब होने के कारण विद्यार्थियों का असंतुष्ट होना पड़ रहा है, किसी को फिजिक्स में नंबर कम आया, किसी को मैथ में, किसी को केमिस्ट्री में, ऐसे मतलब बिहार बोर्ड आनंद किशोर अपना रिजल्ट मतलब हर बार अपना रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में विद्यार्थियों को रिजल्ट खराब होता जा रहा है, यानी जल्दीबाजी के रिजल्ट देने के चक्कर में कॉपी जांच नहीं करती है। तो आप लोग को आप बताइए आपका क्या कहते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से असंतुष्ट है नंबर से बताइए। सर इंग्लिश में दिया है मेरा 49 है नंबर, जबकि उसमें मतलब 3-4 ऑब्जेक्टिव गलत है और मतलब सब्जेक्टिव सब बढ़िया बनाए थे, और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कम दिया, मैथ में तो देवे किया। मैथ में आपको कितना नंबर बनाया मैथ का? मैथ में सर मतलब बनाए फुल और दिया 85 पे नंबर। और ऑब्जेक्टिव आपका कितना सही था? ऑब्जेक्टिव सर एगो की सर एगो या एक ने सत गलत था, एक भी गलत नहीं था। सब्जेक्टिव तो गलत था क्या? नहीं सर। और उसका फिजिक्स में? फिजिक्स में सर दिया है 75 पे नंबर। और जी आपको आना कितना चाहिए अंदाज? लगभग सर 90 नंबर उसमें भी था। तो ये आपका यानी सभी बीच हिंदी 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 में सर दिया 87 नंबर। उससे संतुष्ट है हिंदी से? नहीं सर, हिंदी किसी से भी संतुष्ट नहीं आप है। आप लोग के साथ बिहार बोर्ड खिलवाड़ किया, आपके जिंदगी के साथ, आपके भविष्य के साथ, अपना रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में आप लोग के साथ बर्बाद किया है। आपका बताइए आप कौन कौन से सब्जेक्ट से असंतुष्ट है? सर सबसे पहले हम बिहार बोर्ड को यही बोलना चाहते हैं कि सर वो रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आगे चल के वो विद्यार्थियों को आगे आगे जो एग्जाम होगा सर उसमें क्या हुआ जो 65% से अबव मांगता है मार्क्स, क्या उसमें वो देगा वो मार्क्स? इसके कारण जितने भी विद्यार्थी हैं सभी का जिंदगी खराब कर रहा है वो। और सर अगर कोई भी पद होता है या दूसरे विदेश में देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी पद होता है तो उसमें सर किसी का भी अगर पद होता है तो उसमें वो 1 साल ही शासन करता है, और यहाँ आनंद किशोर बैठे हुए हैं 3-4 साल से लगातार, तो ये गलत बात है। यहाँ पे ऐसे भी सर बूढ़े आदमी के पास जोश नहीं होता है, युवा के पास ज़्यादा जोश होता है, तो जो शिक्षा का अध्यक्ष वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको देना चाहिए युवा को, वो खुद बैठे हुए हैं और गलत गलत काम कर रहे हैं। आपको आपको कौन कौन से विषय से असंतुष्ट मिल रही है आपको नंबर? सर मुझे लगभग सारे विषय से असंतुष्टि है, असंतुष्टि है। यस सर। आपका फिजिक्स में 89 नंबर है आप बोले सर, अभी फिजिक्स में मेरा तो, लेकिन फिर भी आपको असंतुष्टि है? फिजिक्स में मेरा 89 नहीं 85 है, और उसमें भी सर प्रैक्टिकल में नंबर काटा गया है, और सर प्रैक्टिकल में जितने भी शिक्षक लेते हैं सभी घुस लेके प्रैक्टिकल का दिया गया है सर यहाँ पे। सर कॉपी मतलब चेक हुआ है, मतलब चेक करने नहीं आ रहा है आपके, ऐसे मतलब सबका बिहार बोर्ड ऐसे अपना रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में 22 दिनों में कॉपी जांच कर सबका रिजल्ट खराब हो रहा है, सबके सब विद्यार्थियों के चेहरे पे नाइंसाफी छाया हुआ है। आप बताइए आप आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से असंतुष्टि है? हमको सर सबसे पहले केमिस्ट्री में हम सबसे कम नंबर मिला, उसके बाद फिजिक्स में भी फिजिक्स से भी हम अंतुष्ट हैं, मात्र 76 नंबर है, और केमिस्ट्री में 69 है, और सर मैथ में सर मेरा 89 मार्क्स है, लेकिन वहाँ पे सर मेरा एक क्वेश्चन था छूट गया था, इसका कारण सर हुआ कि वहाँ पे सबसे पहले तो सर क्वेश्चन आउट हो जाता था डेली, और उसके बाद सर मतलब कि हम लोग मतलब अपने हिसाब से जो क्वेश्चन आउट होने के चक्कर में सर वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या बोलता है लेट मिला, जिसके कारण वहाँ पे मेरा टाइम का अभाव हुआ और क्वेश्चन छूट गया। और सर रिजल्ट मतलब कि बिहार बोर्ड सर अपना रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में हर विद्यार्थी के साथ ये मतलब कि ये खिलवाड़ कर रहा है उसके लाइफ के साथ सर। मैं गलत टीचर को अपना कॉपी जांच देने के लिए, यानी आपको 100% विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छा एग्जाम दिए हैं सभी? यस यानी आप लोग का ऑब्जेक्टिव में ना गलती है किसी भी चीज़, लेकिन फिर भी सारा और राइटिंग में भी कोई गलती नहीं है, फिर भी नंबर गलत काट लिया आप लोगों को। आप लोग मनीष बताएं आप लोग को मैथ से कितने मैथ में कैसा नंबर मिला आपको? मैथ में बहुत खराब नंबर मिला है। क्या आप गलत बनाए थे क्या? ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं था, सब्जेक्टिव सारा बनाए हैं, फिर भी हमको 67 नंबर मिला है। तो ये ऑब्जेक्टिव तो आपका सारा सही, आप बोल रहे हैं कि मिला दिए एक एक चीज मिला दिए सब नहीं गलत है, सब्जेक्टिव नहीं मिला दिए, तो ये तो बताइए कि बिहार बोर्ड का बहुत गलत काम है। फिजिक्स में भी आपको कम नंबर मिला है, केमिस्ट्री में भी गलत, केमिस्ट्री में तो पूरा कम मिला सर, केमिस्ट्री में 35 नंबर मिला। आप लोग बताइए बिहार बोर्ड को क्या देना चाहते हैं संदेश आप लोग सभी विद्यार्थी के? सर रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में मतलब विद्यार्थियों के साथ अपना रिकॉर्ड को आज आप लोग को बहुत खराब लगता होगा आत्मग्लानी, आप लोग बहुत अच्छे प्रखंड टॉपर सब स्टूडेंट सब हैं आप लोग सारे विद्यार्थियों, और आप लोग को आज बहुत खराब लग रहा होगा आप लोग। जो सर स्कॉलरशिप देते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से 25,000 रुपए लड़कियों को, तो बिहार बोर्ड क्या चाहता है कि सिर्फ लड़कियों का ही विकास हो, लड़कों का नहीं हो, और आगे यही बोलना चाहते हैं सर कि 25,000 का उपयोग अगर वो अपनी शिक्षा व्यवस्था में कर दे तो उससे बढ़िया शिक्षा हो जाएगा, 25,000 देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी बिहार बोर्ड को। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आप लोग बताइए आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं सर, मेरा मैथ में 85% बनाए थे सर, तो उसमें हमको
ऑब्जेक्टिव मेरा था सर 42-43 को ऑब्जेक्टिव मेरा सही था, जिसमें कि हमको मैथ में 44 नंबर मिला सर। आप लोग के साथ पूरा अन्याय किया, बिहार बोर्ड क्या कीजिएगा आप? बिहार बोर्ड में या विगत पिछले 2 वर्षों से या देखा जाए 2-3 वर्षों से देखा जा रहा है, रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़, 21 दिन में कॉपी जांच करवा लेना, प्रेशर दिलवा दिलवा करके कॉपी जांच करवा लेते हैं। आप लोग इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, हमको भी यकीन है कभी नहीं पढ़ा सर, उसका रिजल्ट अच्छा हो रहा है, और जो पढ़ रहा है उसका रिजल्ट सर। हम तो ये जान रहे हैं, आप लोग यदि बिहार टॉपर भी होगा तो वो आपके पास यदि बैठेगा तो आप उस आप लोग अच्छे से उसके समकक्ष होंगे। आप लोग बोलना चाहते हैं सारा कोई मिलकर कुछ खिलाफ करे बिहार बोर्ड आनंद किशोर के बारे में, नहीं तो हर साल ऐसा ही रिजल्ट आएगा। अच्छा, इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे इस बिहार बोर्ड के रिजल्ट से? आप लोग क्या उनको संदेश देना चाहते हैं, आप लोग बिहार के नागरिक, बिहार के बच्चा होने के कारण? यही बोलते हैं कि आनंद किशोर को जल्द से जल्द वहां से हटा दें, क्योंकि खुद भी रिजल्ट हमेशा खराब, खुद भी बहुत दिन से रह चुके हैं। आनंद किशोर हम लोग के साथ जरा सा नाइंसाफी कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार लोगों को जरा सा ये समझना चाहिए क्या? सर नीतीश कुमार को हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि सिर्फ गद्दी पर बैठ के राज करना ये गलत बात होता है। वो 3 साल 4 साल 5 साल से लगातार बैठा हुआ है गद्दी पर सर, लेकिन एक बार भी कुछ भी सही काम नहीं किया है। गलत यानी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया। ऐसे भी सर अंग्रेज लोग बोल के गए थे कि अगर किसी भी देश को या किसी भी राज्य को लूटना है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले समाप्त कर दो, और वही काम सरकार कर रही है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सही बोल रहे हैं आप। और जहाँ तक कि सर कहीं 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 स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, दो चार टीचर है। आप लोग कोरोना में पढ़े भी नहीं, और उसके बाद सही नहीं होने के कारण हम लोगों का नंबर कट रहा है। किसी भी स्कूल में टीचर का व्यवस्था नहीं है सर, कॉपी दिया जाता है क्लास में, मतलब सर टीचर नहीं है, सही नहीं होने के कारण हम लोगों का कॉपियाँ सही से चेक नहीं हो रही, जिसके कारण हम लोग का रिजल्ट खराब आ रहा है। और घर में आप लोग डांट सुनते होंगे कि कुछ नहीं पढ़े हैं? हाँ जी सर, क्या कर रहे हैं, बोलते कुछ लिखा ही नहीं होगा तो नंबर क्या मिलेगा, हम लोग सारा लिखे हुए हैं कॉपी चेक बढ़िया से। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों की कॉपी जांच हो या बढ़िया से स्क्रूटनी हो, आप लोग को कुछ सहायता बिहार बोर्ड करे? सर स्क्रूटनी अगर किया जाता है उसमें सर, फिर स्क्रूटनी करने पर जो 70 रुपये लिया जाता है प्रति विषय पर, तो उसमें सर तो वो बिहार बोर्ड फिर से जनता को ही लूट रही है। हाँ ये बात तो सही है, फिर उससे सर उससे, और अगर सर अगर कोई गलती करने का चांस ही नहीं रहेगा तो वो स्क्रूटनी फिर स्क्रूटनी का माध्यम क्यों देगा? वो क्यों देगा जब गलत हम ना करें तो? तो सर इसके मतलब बिहार बोर्ड भी अपने आप को जान रहा है कि वो गलती किया है, इसी कारण वो स्क्रूटनी उपलब्ध करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल गलत कर रहा है वो। आप लोग ऐसा करने से नंबर भी कहाँ बढ़ता है, जो है वही 2-4 नंबर स्क्रूटनी में, एक या दो नंबर कॉपी बिना चेक से। तो सभी जगह छात्र तो आंदोलन कर रहे हैं इस पर, सभी जगह कर रहे हैं। मेरा सर 3500 रुपये लगा था स्क्रूटनी, प्लस RTI भी किए थे सर, तो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की तरफ से आया था एक नोटिस आया था कि ये लिंक लो, उसमें आपका सारा कॉपी रखा गया है, उसमें आप चेक कीजिए। तो हम सर लगातार 10-15 दिन गए थे लिंक पर, लेकिन वो लिंक खुला ही नहीं, एरर बता रहा था। वो लिंक नहीं खुला यानी लिंक बंद कर दिया था कि RTI का पैसा भी आपका चला गया? सर चला गया, बिहार सरकार तो ले ही लिया होगा पैसा। नहीं सर लिया, और उसके बाद लिंक भी नहीं खुला, लिंक भी नहीं खुला। लेने के बाद मतलब विद्यार्थी के साथ न्याय नहीं हुआ। देखिए आप लोग के साथ न्याय हो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और आप लोग स्क्रूटनी करवाइए, आप लोग यही हम कहेंगे। ठीक है, और कुछ बोलना है तो बोलिए आप लोग। मतलब जोर घटा भी नहीं आ रहा है सही से बिहार बोर्ड को, कैसा कैसा शिक्षक बैठे हुए वहाँ पे सर 35 नंबर थ्योरी में मिला और 20 नंबर प्रैक्टिकल, तो दोनों मिला के 55 होता है, 50 नंबर दिखते हैं वहाँ 50 नंबर। तो ये तो प्रेशर है ना कि जल्दीबाजी का चेक करना है। शिक्षक सही नहीं मिला है, शिक्षक की भी गलती नहीं है, वो क्या करेगा, प्रेशर ऊपर से आता है ना। कब आप एकदम पूरा संतुष्ट है इस रिजल्ट से? हाँ सर, मेरा सब में लिया है एकदम चौपट, ठीक है चौपट कर दिया है ना। आहा, आपकी शिवेंदु? मेरा भी सर, हम भी बहुत असंतुष्ट हैं इस रिजल्ट से। जो कभी पढ़ा नहीं सर, वो 390-395 ला के बैठा है, 400 आ रहा है सर, और हम लोग का 400 पूर्ण में सर बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, अब आगे की तैयारी में रखिए, और आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग स्क्रूटनी करा लीजिए, देखिए इस बार यदि स्क्रूटनी में ना हो तो फिर आगे का कदम उठाइएगा आप लोग। ठीक है।